أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا مخارج الحروف. हम लोग लेटर्स के मखारिज पढ़ रहे थे और अब तक हमने अलहल्क अलजौफ और अलिसान के जो है वो बेशतर हरूफ़ पढ़ लिए हैं आज के सेशन में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे सीन जा और उसाद का मखरज न जा और स्वाद इन में से सीन और जा का जो मखरज है वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जबकि स्वाद के लिए अलहदा से ये पिक्चर है और इस जुबान की शेप को भी आप देख लें इन में फर्क क्या है कि जो सीन और जा है वो लाइट लेटर है जबकि स्वाद हैवी लेटर है सीन के लिए और जा के लिए जुबान की जो नोक है फ्रंट से जिसको सलिसान भी कहते हैं या तो लिसान भी आप कह सकते हैं वो आपके नीचे वाले जो सामने के दो दांत हैं, उसकी जड़ों के पास लगेगी कुछ हिस्सा जड़ों से लगेगा और कुछ हिस्सा दांतों को भी आ, टच करेगा सीन और जा के लिए अगर हम सीन को लें, सीन से मैंने आपको कहा कि ये लाइट लेटर है तो इसके लिए जुबान हमारी फ्लैट रहेगी मीन्स के पीछे से उठी भी नहीं होगी सॉफ्ट पैलेट की जानब नहीं जाएगी वो फ्लैट रहेगी और जुबान जो फ्रंट से जुबान की नोक है जिसको टिप ऑफ द टंग, टंगिसान या तरफ लिसान कह सकते हैं वो आपके सामने वाले नीचे के जो दो दांत हैं उनकी बेस लाइन को यानी उसकी जड़ को और थोड़ा हिस्सा दांतों को टच करेगा आपने अपने ऊपर वाले और नीचे वाले दांतों को आपस में करीब से करीब रखना है लेकिन ऊपर के जो दो दांत हैं और नीचे के दांतों को आपस में जोड़ना नहीं है उसमें जरा सा गैप रहना चाहिए उसकी वजह यह है कि सीन में एक विस्लिंग साउंड है इसकी एक सिफ्त है ना सफीर की तो वो सफीर की जो क्वालिटी है वो विस्लिंग साउंड तभी आएगी जब आप सीटी जैसी सांस को जारी करेंगे सीन को अदा करते वक्त और वो तभी मुमकिन होगा जब थोड़ा सा गैप रहेगा आपके ऊपर और नीचे वाले दांतों के दरमियान मीन्स के सनाया उलिया और सनाया सुफला के दरमियान थोड़ा सा गैप रहना चाहिए जुबान का ये वाला हिस्सा आपके ऊपर वाले गम रिच के करीब जाएगा ऐसा भी मुमकिन है क्योंकि ऊपर वाला जो ये पैलेट है ना दांतों की शेप हर किसी की डिफरेंट होती है कुछ के तो बहुत अलाइंड होते हैं दांत जबकि कुछ लोगों के ये वाला हिस्सा थोड़ा आगे को होता है तो एग्जैक्ट अलाइनमेंट वैसे भी नहीं होती तो डिपेंड्स अल्लाह आपके दांतों की शेप किस तरह से बनाई है आप अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करें आ, ताकि ठीक आवाज निकल सके बहरहाल आपने कोशिश करनी है कि ऊपर के और नीचे के दांतों को आपस में करीब से करीब रखना है इनको टच नहीं करना जरा सा गैप रहना चाहिए जुबान का ये हिस्सा ये ऊपर वाली जो गमरिज है हार्ड पैलेट है इसके करीब जाएगा और उससे आप फिर विसल जो है वो वो प्रोड्यूस करें एक सीटी जैसी आवाज आप निकालें सीन सीन, सीन, सा, सी सु सी, इसी तरह एस एस जब सीन सुकून के साथ आएगा तो सीन को थोड़ा आपने कंटिन्यू रखना है सीन की आवाज को जारी रखना है थोड़ी देर तक के लिए फोरन से छोड़ नहीं देना और इस क्वालिटी को इस सिफ्त को हम रखावा कहते हैं रखावा जब भी ऐसे हरूफ के ऊपर ये सुकून आएगा तो आवाज़ को थोड़ी देर जारी रखना है और सीन में हम्स भी है हम्स का मतलब सांस का जारी रहना और रखावा की क्वालिटी मींस की साउंड का भी जारी रहना तो सांस और साउंड दोनों इस तरह से जारी रहेंगी अस बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जल्दी छोड़ देंगे तो वो बाउंस करेगा या सीन की खूबसूरती खत्म हो जाएगी लिहाजा सीन को जब भी सुकून के साथ पढ़ें जब सीन साकिना हो तो आवाज को थोड़ी देर कंटिन्यू रखें और सांस को भी खारिज करें साथ साथ अच्छा जो जा है जा इसमें बजिंग क्वालिटी है अगेन मखरज इनका सेम है जुबान का जो सामने जुबान की जो सामने वाली नोक है वो नीचे वाले जो दो दांत हैं फ्रंट के उसकी बेस लाइन को लगेगी अगेन ऊपर वाले और नीचे वाले दांतों को आ, करीब से करीब करना है बिल्कुल मिला नहीं देना और ये वाला जो हिस्सा है जुबान का ये आपके गमरिज के पास जाएगा और उससे आपने बज क्रिएट करना है सीन और जा में फर्क सिर्फ इतना है कि सीन में हम्स है ये फहत साहू शख्सकत यह उनूफ में आता है जो हम्स के हरूफ है ना ये उनमें सीन आता लिहाजा उसमें सांस जारी रहेगी जबकि जो जा है जिसको ज़ाई भी कहते हैं देखिए यहाँ लिखा है अस्िनु तो अरबी में जा को ज़ाई भी कहते हैं तो जा में आवाज तो जारी रहेगी लेकिन इसमें सांस नहीं होती तो मेक श्योर करें कि जब आप जा को पढ़ें इसके साथ अपनी सांस को बहाल ना करें मतलब सांस को अज जब फता से पढ़ेंगे तो जा, कसरा से जी और दमा से जू जी ज़ू सुकून से पढ़ेंगे तो अज़ अज़ इसमें है इसमें हम्स नहीं इसमें है आवाज थोड़ी देर जारी रहेगी जब इसको सुकून से पढ़ेंगे और ये जो बजिंग क्वालिटी है जो इसकी सिफ है आ, वो देखें कि ये वाला हिस्सा जुबान का इसके करीब जाएगा तो यहीं से पैदा होगी आप कुछ वर्ड्स प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपका जार ठीक नहीं है जैसे जिप, जिप जेब्रा है इस तरह के जो वर्ड्स जिसमें ज़ा का इस्तेमाल हो, उन वर्ड से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आम, हमारे पास आ जाता है स्वाद स्वाद भी एक ही जगह से अदा हो रहा है जहां से सीन और जा अदा होता है लेकिन स्वाद चूंकि हैवी हरूफ में से है तो जुबान की शेप दरम्यान से और पीछे से थोड़ी सी चेंज होगी ठीक है फ्रंट में उसी तरह लोअर जो हमारे इन सॉरी लोअर फ्रंट टीथ हैं उसी को सेंट्रल इंसाइजर उन्हीं को ही टच कर रही है जुबान जिस तरह के सीन और जाम था लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि सॉ चूंकि हैवी है इसमें जितने भी हैवी हरूफ होते हैं ना उसमें आवाज मुंह के अंदर थोड़ी देर रहती है और मुंह के अंदर आवाज रखने के लिए आपको क्या करना होता है जुबान को कर्व करना होता है और पीछे से उठाना होता है पीछे से उठेगी जुबान तो ऑटोमेटिकली यहाँ कर्व भी आ जाएगा जितना कर्व होगा उतना ज्यादा एक गैप सा बनेगा मतलब एक स्पेस बन जाएगी बिटवीन पैलेट और सेंटर ऑफ द टंग। उसी में ही आवाज आपकी ट्रैप हो जाती है और उस ट्रैपिंग मैकेनिज्म से ही एक हेवीनेस क्रिएट होती है तो से ही आगाज करना है जिस तरह सीन में सफीर की क्वालिटी है विस्लिंग क्वालिटी है उसी तरह स्वाद में भी विस्लिंग क्वालिटी है तो आगाज स्वाद का भी आपने सीन जैसा ही करना है लेकिन उसके बाद आवाज को मुंह के अंदर ही फेंकना है सौ 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 सुई साउंड साउंडी सो सू। अब ये है। सो, सो, आस, आस, आस। देखे, इसमें भी सांस जारी हो रही है क्योंकि ये भी हम्स का हर्फ है तो जब भी इसको सुकून से पढ़ेंगे तो थोड़ी देर आवाज को कंटिन्यू रखना है इसमें रखावा भी पाया जाता है और साथ साथ सांस को भी जारी करना है क्योंकि इसमें हम्स भी है सो अफ हब आस्थाब। आस्थाब। साहिबुकुं। साहिबुकुं। को अदा करते वक्त एक और चीज का ख्याल करना है कि इसकी हेवीनेस आपकी जुबान पे डिपेंड करती है इसकी शेप पे डिपेंड करती है इसका हैवी होना आपने स्वाद को हैवी करने के लिए नीचे वाले होंट को ऊपर नहीं उठाना प्स को होंठों को राउंड भी नहीं करना अगर आपकी जुबान की शेप ठीक है आपको इसकी समझ आ गई है कि हैवी लेटर्स को किस तरह से अदा करते हैं क्योंकि सब में एक कॉमन चीज़ है कि आवाज़ मुंह के अंदर रहती है और वो तभी होगा जब आप जुबान पीछे से उठाएंगे और सेंटर में कर्व लेके आएंगे लेकिन अगर आपकी जुबान फ्लैट है ये चीज़ नहीं है लेकिन आप अपने होंठों से उसको राउंड करके और सौ सौ कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा क्या वो परफेक्ट नहीं होगा